हाय गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मथुरा। अभी मैं कन्हा नगरी मथुरा में हूँ, तो ब्रज भूमि मथुरा में आया। तो मथुरा पूरा मथुरा शहर घूमूंगा। मेरे साथ पूरा फुल डिटेल्स वीडियो होगी आज मथुरा की, कहाँ घूमना है, कैसे घूमना है, कहाँ कहाँ जाना होगा। मथुरा आएंगे तो आप लोग भी मथुरा घूमेंगे इन फ्यूचर में। इस वीडियो को देखते हैं तो मथुरा घूमने के साथ सोच रहे हैं या मथुरा के यहीं से मेरे वीडियो से ही मथुरा देखने के लिए सोच रहे हैं, तो मज़ा आएगा। मथुरा के डिटेल्स वीडियो दूंगा मैं, कहाँ घूमना है, कैसे कैसे घूमना है, कहाँ कहाँ घूमना है, कितना कितना खर्चा लगेगा, पूरा डिटेल्स वीडियो होगी। आज जय श्री कृष्ण, राधे राधे सबको फ्रॉम मथुरा। आज मथुरा का शेयर करेंगे, मथुरा घूमेंगे और मथुरा के बाद कहाँ जाएंगे सब बताऊंगा, डिटेल्स वीडियो दूंगा। फाइनली हमें यहाँ पे ऑटो मिल गई है, तो 20 रुपये का शेयरिंग है, तो 20 रुपया करके भैया ले जा रहे हैं हमें। अभी द्वारकाधीश पहले हम लोग जाएंगे, वहाँ दर्शन करने के बाद हम लोग जन्मभूमि निकल जाएंगे। ये भैया ऑटो यहाँ पे ले गए, अभी द्वारकाधीश जा रहे हैं। कितना दूर भैया यहाँ से? 4 किलोमीटर करीबन दूर है, तो निकल रहे हैं। ये रहा मथुरा का कुछ नज़ारा, अभी देख रहे हैं सुबह का नज़ारा। तो पहले हमने सोच लिया द्वारकाधीश जाने का, जहाँ रुके थे हम लोग स्टेशन के नजदीक रुके थे, मथुरा स्टेशन के नजदीक। तो हम लोग पहले अभी द्वारका दर्शन करेंगे, तो सामने विश्राम घाट भी है, यमुना नदी, यमुना के तट। तो अभी हम लोग द्वारकाधीश जाएंगे, यमुना नदी के तट पर जाएंगे, फिर जन्मभूमि निकलेंगे यहाँ से। अभी देखते हैं द्वारकाधीश कैसा है, अभी आगे जाएंगे क्या है प्रोसेस बताऊंगा सब। तो अभी हम लोग फाइनली बोट में हैं, तो नाव का सवारी करते करते हम द्वारकाधीश और यमुना नदी ये देखिए मेरे पीछे यमुना नदी के ऊपर है। अभी यमुना नदी नाव में है, तो हम लोग सीधा द्वारकाधीश मंदिर दर्शन करेंगे और कंस किला भी भैया लेके जाएंगे, भैया जो मेरे पीछे हैं। नाम क्या हुआ आपका? राधे राधे। नाम क्या हुआ? रवि। रवि क्या लिखते हैं? रवि केवल। वो भैया लेके घुमाएंगे हम लोग, कहाँ कहाँ घुमाएंगे आप? कंस किला हो गया, 3-4 जगह घुमाएंगे। भैया ने 100 रुपया ले लिया हमसे, 100 रुपया ने 3-4 जगह हमको दो, ये है हम लोग बस। उधर मैडम जी बैठी हुई है, राधे राधे। यहाँ कान्हा नगरी मथुरा में घूम रहे हैं हम लोग अभी। तो ये रहा यमुना नदी, देखिए यमुना नदी कैसा है। यमुना लोग ऐसे ही नाव में घूमते हैं, ज्यादा लोग होंगे तो 20-20 रुपया लेंगे ना, ज्यादा ज्यादा लोग होंगे तो 20 रुपए की सवारी, दो लोग होंगे तो भैया लोग की भी थोड़ा इनकम होना चाहिए, इसीलिए भैया ने 100 रुपए बोल दिया। पहले भैया 200 रुपए बोल रहे थे, 200, तो मैंने बार्गेनिंग कर ली। तो आप लोग भी बार्गेनिंग करना जरूर, मथुरा आना विश्राम घाट यमुना नदी में आना तो बार्गेनिंग करना बनता है, नहीं तो भैया लोग 200 भी बोल देंगे, 400 भी बोल देंगे, कोई ऐसे ही होता है, सब चलता रहता है हर जगह, ये टूरिस्ट आते हैं तो ऐसे ही करते रहते हैं। ये रहा ना मंदिर, ये विश्राम घाट सामने देखिए। तो फाइनली हम लोग अभी मथुरा में यमुना नदी के ऊपर ऐसे नाव में टहल रहे हैं, तो कैसे लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है नाव में बैठ के। बस भूमि आप पहुंचो तो कभी मथुरा आओ तो आपको यमुना नदी के ऊपर नाव में सवारी करना है जरूर। तो पहली हमारी यात्रा थी अभी की द्वारकाधीश मंदिर दर्शन करना, तो उसके बाद हम लोग जन्मभूमि फिर जाएंगे। तो ये रहा गाइस जो सामने था, वो रहा कंस का किला, जो कंस किला वो रहा सामने जो दिखा, कृष्ण जी के मामा जी के कंस किले, वो रहा कंस किला, वो दूर से ही दिखा दिया हमने। अभी नाव की यमुना नदी के ऊपर है ना, इसीलिए हमने कंस किला दिखा दिया ऐसे ही। अब हम लोग सीधा, हम लोग कहाँ जाएंगे? विश्राम घाट द्वारकाधीश सीधा खत्म। ये सामने रहा मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, अब यहाँ दर्शन करेंगे हम लोग अंदर। मोबाइल अलाव है कि नहीं मुझे पता नहीं, हम लोग अंदर जाएंगे, सब कुछ अलाव है बोल रहे हैं। अब यहाँ पर रहा द्वारकाधीश के गली, द्वारकाधीश मंदिर के गली रहा ये विश्राम घाट। ये रहा विश्राम घाट, तो नीचे विश्राम घाट है, नीचे चलते हैं विश्राम घाट। तो यहाँ रहा यमुना, श्याम सुंदर यमुना महारानी जी,
रहा है यमुना नदी, तो यमुना नदी में दिया है और फूल जलाना बनता है, हमने भी दिए और फूल जलाए और सामने रहा। हम लोग यहाँ दर्शन करने आए थे, पंडित जी की इतनी लड़ाई, घमासान लड़ाई चल रही है सामने, इतनी लड़ाई चल रही है पंडितों की, दो पंडितों और एक लड़का था पता नहीं यार, इतनी लड़ाई मारपीट, इतनी बड़ी मारपीट चल रही है सामने। ओ भाई साहब यार, पूजा के लिए इतने लड़ाई करते हैं लोग यार, कमाल के धर्म के ना, धर्म करते हो, पूजा कराते हो, फिर लड़ते हो अपने खुद को खुद, यार इतना लड़ाई मत किया करो। मथुरा में विश्राम घाट में पंडितों की लड़ाई देखे मैं तंग रह गया। द्वारकाधीश मंदिर का एंट्री का नजारा, राजा धीरा श्री द्वारकाधीश मंदिर, अभी जाएंगे। द्वारकाधीश में परिक्रमा मार्ग में है, तो हम लोग परिक्रमा करेंगे, द्वारकाधीश कैसा है दिखाऊंगा, हम लोग अभी द्वारकाधीश दिखाऊंगा आप लोगों को पहले, उसके बाद हम लोग जन्मभूमि जाएंगे। 10 बजे खुलने वाला है ना, बंद हो गया, हम लोग 9:30 बजे अंदर पहुंचे तो अभी बंद हो गया, तो अभी हम लोग द्वारकाधीश का परिक्रमा करके उसके बाद जन्मभूमि जाएंगे। 10 बजे खुलेगा, 10 बजे दर्शन करना है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ श्री कृष्ण जी को, ऐसा लग रहा है ना श्री कृष्ण जी से मिल रहा हूँ जैसा लगता है, सच में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। अब यहीं के गुरुजी बताएंगे हमको मंदिर द्वारकाधीश मंदिर के बारे में 2-4 बातें जो हमको जानकारी होगी और आप लोगों को भी जानकारी होगी, कैसा है क्या है इतिहास इनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी गुरुजी। ये मंदिर करीब 400-500 साल पुराना मंदिर, ये मंदिर मथुरा का सेठ जो था लक्ष्मीचंद जैन, हाँ, उसके कोई संतान नहीं हुआ करती थी, तो उसको भगवान ने उसके मुनीम को स्वप्न दिया था कि मैं ग्वालियर में हूँ एक तालाब के अंदर, वहां से मेरे को निकालेगा ये और मेरा मंदिर बनवाएगा तो इसकी संतान होगी। उसने उसी स्वप्न के अनुसार ग्वालियर में पारिक जी का बाड़ा है, वहाँ बाड़े से तालाब से इस मूर्ति को निकाला, और वहां से मूर्ति निकाल के मथुरा लेके आए, मथुरा और वृंदावन के बीच में इस मूर्ति को रखा गया था, तब ये हुआ था कि भगवान मथुरा में विराजेंगे या वृंदावन में, तो 6 साल की कन्या से एक पर्ची निकलवाई थी कि भगवान कहाँ बैठेंगे, तो पर्ची में बच्ची ने निकाला कि भगवान मथुरा में विराजेंगे, तो इनको मथुरा लाया गया, मथुरा में इस जगह पर सेठ लक्ष्मीचंद जैन की सामने बिल्डिंग है, उसने इस मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर के निर्माण के साथ साथ वृंदावन में सोने का खम्भे का जो मंदिर है रंग जी का, वो मंदिर भी इसी मंदिर के मालिक के द्वारा बनवाया, वृंदावन में भी। वृंदावन में ये सारी मंदिर की जो संपत्ति है, ये भगवान के साथ स्वयं प्रकट भगवान है, इनके साथ सारी संपत्ति आई थी, उसी संपत्ति से ये सारे मंदिर बनाए थे। कितने खम्भे, खम्भे का कुछ राशि है क्या? ये खम्भे करीब 18 करीब खम्भे। धन्यवाद गुरु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देश जी के मंदिर का दर्शन हो गए, हमें काफी भीड़ भाड़ का था, ये देखिए अंदर का यहाँ का नजारा। तो हम लोग अभी फाइनली पहुंच चुके हैं किसान जन्मभूमि मथुरा, मथुरा में है तो द्वारकाधीश दर्शन करने के बाद हम किसान जन्मभूमि निकल चुके हैं, अब यहाँ पर जूता चप्पल मोबाइल लॉक रूम में रखना, वक्त लॉक रूम में, उसके बाद ही आगे निकल सकते, नहीं तो यहाँ पर कोई अंदर जाने का कोई वो नहीं है, मोबाइल अलाउ नहीं है, तो यहीं तक रहा किसान जन्मभूमि, जो जन्मभूमि का ये रहा गेट का नजारा, यहीं से हम लोग एंट्री करेंगे, लॉक रूम में बैग रख देंगे। ये रहा ये रोड, इधर का
ये रहा तो इधर का नजारा। जमा कर दीजिए उधर को। काफी सारे क्लॉक रूम मिलेंगे, क्लॉक रूम काफी सारे क्लॉक रूम मिलेंगे आपको। तो नंबर दो, नंबर तीन, अभी क्लॉक रूम में लाइन लगते हैं। नहीं, उसके बाद ये क्लॉक रूम में देखेंगे हम लोग। हमने कृष्ण जन्मभूमि दर्शन कर लिए मथुरा में, अब कृष्ण जन्मभूमि का दर्शन हो गई, पर द्वारकाधीश विश्राम घाट देखा, कंस किला देखा, सब दिखाया आप लोगों को। किला द्वारका जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, जहाँ पे निःशुल्क आपको अंदर जाने का है और भगवान श्री कृष्ण राधे का दर्शन करने हैं, फिर अंदर जाके जहाँ कृष्ण जी का जन्म हुआ था वो देखना है, फिर वहाँ के बाद हमने निकल के निःशुल्क में खाना भोजन किया, जो प्रसाद है कृष्ण जी का प्रसाद खाए। प्रसाद खाने के बाद हम लोग निकल चुके हैं, अंदर भी काफी दुकान है, बाहर भी काफी दुकान है, अंदर भी खाने के लिए पीने के लिए पानी जगह जगह मिलेगी आपको, शौचालय मिलेगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं। आपको क्लॉक रूम मिलेगा, दो क्लॉक रूम मिलेगा, एक में आप बैग रख सकते हो और एक में आप मोबाइल रख सकते हो। यही था कृष्ण जन्मभूमि का पूरी डिटेल वीडियो। मथुरा में हमने दो जगह, तीन जगह घूम ही लिए, मथुरा के घूमने की जगह देख लिए। बस आज के लिए वीडियो में इतना ही, बस थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, नहीं है तो चैनल में सब्सक्राइब कीजिए। अब हम लोग घूमते हैं और दूसरी जगह क्या क्या है दिखाएंगे, जरूर वीडियो में बने रहे। थैंक यू।